बहन जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार साल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाया गया। यहां कार्यक्रम का आयोजन माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के परिवार ने किया। परिवार ने इस मौके पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बाहुबली अतीक के परिवार ने केक काटकर मायावती को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। बहन जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार साल। मैं उनकी सेहत और चमकदार जीवन की कामना करती हूँ। जन्मदिन के शुभ अवसर पर मंच पर मौजूद पूर्व सांसद खरवार जी, विधायक जी, औधेश जी, गौतम जी तथा यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेतागण, सम्मानित भाइयों और बहनों। हाल ही में बीएसपी में शामिल हुई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इस मौके पर मायावती को हजार साल जीने की शुभकामना दी। उन्होंने इस मौके पर दलितों और मुसलमानों से एक दूसरे की मदद कर मायावती का हाथ मजबूत करने की अपील की। और मैं तो कहूंगी हमारे दलित भाई छोटा छोटा जुलूस बनाकर मुसलमानों के मोहल्लों में जाए और मुसलमान छोटा छोटा जुलूस बनाकर दलितों के मोहल्लों में जाए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रयागराज में हुए जन्मदिन समारोह में बीएसपी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार समेत पार्टी के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। गौरतलब है कि बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित किया है। और इस नारे के साथ जाएं कि नगर निगम तो हमारी है और लोकसभा और विधानसभा की बाली है। मैं राय देने लायक तो नहीं हूं, लेकिन चलना तो उसी डगर पर है जो पार्टी बनाएगी। आपसे गुजारिश है हमें दलित बस्ती में ज्यादा भेजिए, वहीं मैं खाना खाऊंगी, वहीं मैं चाय पीऊंगी और वहीं मैं बैठूंगी और वार्ता करूंगी। और मुसलमानों के बीच आपको जाना है, हालांकि मैं कोशिश करूंगी सर्व समाज में जाऊंगी। सभी हमारी पार्टी से जुड़े हैं। अब मैं खरवार साहब से सभा के समापन की इजाजत देती हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।